हमें भागीदारी चाहिए। तो भागीदारी की जरूरत इसलिए है कि हमारी उपेक्षा होती है, वो उपेक्षा ना हो। जितनी डिमांडें हमारे प्रदेशाध्यक्ष ने रखी थी, राष्ट्रपति हमारे राज्य, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। देश दिखाई उसके ऊपर कुछ नहीं होगा भाई साहब, इसलिए हमें जरूरत है। इसलिए विकल्प बोर्ड ढूंढो जो हमारी समस्याओं का समाधान करो, जो हमारी समस्याओं के कार्य करता हूँ। लेकिन सबसे पहले मुझे बराबरी है, उसकी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। हमने बहुत सहन कर लिया, अब बधाई होते कुछ शोषण को सहन नहीं करें। ये हमारा परिवार है, इसलिए इस बात का हमेशा वक्ता ध्यान रखेंगे। तथा इसी के साथ में अगला जो है कार्यक्रम को शुरू करते हैं। धन्यवाद। अब मैं इंडस्ट्रियल कमेटी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन जिन साथियों ने मुख्य मेहमानों को ऑनर करना है, वो कृपया नाम बोलूंगा, वो मंच के पास आ जाएं। अब सबसे पहले हम श्री सरदार कृपाल सिंह जी एक बार दोनों हाथ से जितनी तालियों की गूंज होगी उतनी पब्लिक में हमारा मैसेज जाएगा कि हम लोग कितना इकट्ठे हैं। श्री हुसार सिंह पराशर जी को श्री कृष्णगिरी राव, सब कुछ सामने है, हमारे नेता लोग यहाँ बैठे हैं। आज ये जो राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है, क्या मुख्य उद्देश्य? मैं श्रीकांत चौधरी, मैं गिटवाती चांग महासभा का हिमाचल प्रदेश का प्रधान हूँ। ये जो आयोजन किया जा रहा है, ये हमारे जो गिरधवाती चांग महासभा के आयोजन किए जा रहे हैं उसकी लड़ी में से एक लड़ी का ये भी समझो एक मनका है। हमने 13 सितंबर 2015 को गिरधवाती चांग महासभा का हिमाचल में गठन किया था, जिसमें मेरे को प्रधान चुना गया था। उसके बाद हमने 29 मई 2016 को जो है वो बहुत बड़ा जलसा किया है नगरोटा बगमा में। उसके बाद हमने 13 सितंबर 2016 को जो है वो अपना स्थापना दिवस मनाया, एक साल हो जाने के बाद मंडल में धमसाड़ा कार्य कंस्टिट्यूंसी में। तो हमने सरकार के मुख्य जो हैं वो इस महासभा ने कुछ डिमांडें रखी। डिमांडें ऐसी हैं कि एक टाइम था हमारे हिमाचल विधानसभा में 16 MLA हुआ करते थे, आज की डेट में हमारे पास जो है वो कांग्रेस पार्टी से 1 MLA है और BJP पार्टी से 1 MLA और 1 MLA हमारा ज़्यादा 3 MLA रह गए हैं। और उसकी हमारी है जो दशक बढ़ाने वाली है, ये दोनों BJP और कांग्रेस की पार्टियां हैं। ये जातिवाद करते हैं, जातिवाद के आधार पर BJP पार्टी जो पूरे राजपूतों को जो संरक्षण देती है और कांग्रेस पार्टी जो है वो पूरे पंडितों को आगे ले आ रही है। इस टाइम इनके 4 मंत्री हैं। मेरी पॉपुलेशन के हिसाब से हमारी जो पॉपुलेशन है हिमाचल में जो है राजपूतों के पास सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो OBC की है। तो OBC के हिसाब से हमने जो है वो 18 सीटें हिमाचल में मांगी हैं, जहाँ हमारे बहुल्य क्षेत्र हैं गिरधवाती चांग के। तो आपकी जो मांगे नहीं मानी जाती है, तो अगला क्या कदम होगा? ये जो मांगे हैं 18 सीटें अगर पार्टी ने देगी, तो अभी हमारा जो एक 6 तारीख को 10 तारीख को इच्छी में कार्यकारिणी की बैठक हुई, उसमें बहुजन समाज पार्टी ने हमें जो है वो 25 सीटें देने का ऐलान कर दिया है, 25 सीटें देने का ऐलान कर दिया है। और उसी कड़ी में जो ऊना के फंक्शन में आज हम खुलासा करने जा रहे हैं कि BJP और कांग्रेस पार्टी अपना चेहरा दिखाए और बताए कि वो कितनी सीटें देने जा रही है। नहीं तो हम चिंतन मनन कर रहे हैं कि हमने करना क्या। पर एक बात सच है और बिल्कुल मैं ये ठीक बात कह रहा हूँ, जिस तरीके से पब्लिक उठ गई है, OBC की जनता उठ गई है, ये जनता आने वाले टाइम में जो कांग्रेस और BJP ने बारियां डाल रखी है कि 5 साल वीरभद्र की सरकार, 5 साल धूमल की सरकार, ये इस बार इस मनसूबे इनके हम पूरे नहीं होने देंगे और इनकी सरकार हम नहीं बढ़ने देंगे, नहीं बढ़ने देंगे, नहीं बढ़ने देंगे, हम अपना हक लेकर के रहेंगे। तो क्या अगर मान लीजिए अगर कोई तीसरी पार्टी आपको समर्थन करती है, 18 से अधिक आपके सीटें देती है, तो क्या उनको समर्थन दिया जाएगा? हम जो है पंजाब और UP के इलेक्शन देख रहे हैं, 11 मार्च को जो है वो उनके रिजल्ट आ जाने हैं। उनके रिजल्ट सामने आने दो, हमारा रिजल्ट पब्लिक के सामने आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, हम करने के जा रहे हैं। पर BJP और कांग्रेस की सरकार नहीं बनने देंगे, जो इन्होंने आज तक हमारे साथ धोखाधड़ी किया और हमें चीटिंग करते रहे हैं। और जो लोग हमारे जो कांग्रेस में, तो हमारे जो लोग हैं वो कांग्रेस के फाउंडिंग फादर रहे हैं।